यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो पशु है, वो डंकी है। एंड दैट डंकी सो दैट इन नेक्स्ट बर्थ ही विल बी मैन एंड ही विल बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इसलिए बलदेव जी हिरण्यकश्यप को मारते हैं जो अज्ञानता है। और भी एक समय बलदेव जी तीर्थ यात्रा करते 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 कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वंस बलदेव बाई ट्रैवलिंग इन यूनिवर्स एंड द होली प्लेसेस ऑफ इंडिया ही केम टू कुरुक्षेत्र एंड फ्रॉम कुरुक्षेत्र वेयर कृष्ण वाज देयर। कुरुक्षेत्र में कृष्ण वहां पर थे और कौरव पांडव में केवल मात्र दुर्योधन बचा था और दुर्योधन से भीम से पराजित हो रहा था। उस समय में तो जिस समय पराजित हो रहा था उस समय कृष्ण के इशारे से भीम ने गदा से दुर्योधन के जंघ को तोड़ दिया। बलदेव जी बड़े बिगड़ गए, बिकम वेरी सीरियस। वो ये अन्याय का युद्ध हो रहा है, अधर्म युद्ध हो रहा है। अपना हल और मुसल उठाया, आज भीम को अभी मारूंगा। ऐसा उठाया मुसल और इधर से हल लिया, गर्दन में डाल करके खेच करके मारे। कृष्ण ने कहा सारो सारो कहिए आप भी ऐसा करा रहे हैं, अभी चुपचाप ठहरिए। दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगी करके अपने अपने जंगे पर बैठाना चाहा, उस समय धर्म क्या? रजयति नमजूनो कंदमस्मिन् नमनम् इति किल कल्लार्थम् लब्धकस्तद्दयोर्मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् मे। सब लोग बोलिए निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम्। ये गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण के नित्य परिकर हैं, गोलोक वैकुंठ ब्रज धाम से यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण की सेवा के। कृष्ण सेवार जन्न तिनेखने प्रसिद्ध जखन से बांधु रामेश्वर बांधा छिल तखन हनुमान हिमालय थीके इनके न्यास छिलें। हिमालय से हनुमान जी ला रहे थे पुल बांधने के लिए। जब यहाँ पर लेकर के पहुँचे इतने में रामचंद्र जी ने खबर भेजा जो जहाँ तक पर्वत लाया है
जेखने थी पर्वत आरोहण करे छे से ओइखने रखे दे। पुल बंद गया माने पुल बांधा हो गेलो आर तार कारणे। हनुमान जी ने यहाँ पर और भी कथा है। काशी में गंगा जी तो हैं किंतु रम्य भूमि रमणीय पर्वत और वृक्ष इत्यादि नहीं। जैसे मुक्ति बात शुष्क होता है, शुष्क है मुक्ति और धामता है शुष्क। कैलाश में केवल बर्फ पड़ा है, कोई पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं, रसमय भूमि है सब वहाँ पर बर्फ से भरा और यहाँ पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं। वहाँ के ऋषियों ने सोचा यदि यहाँ पर कोई पर्वत रमणीय वन उपवन रहता, पुष्प यहाँ रहते तो बहुत ही सुंदर, पुष्प रमणीय वन इत्यादि था तो ताले बेश भालो। कोई ऋषि कुलस्थ ऋषि चले गए द्रोण के यहाँ, बोले जब तुम अपना पुत्र दे दो हम ले जाएंगे। अच्छा अपना हमारा पुत्र तो बड़ा प्यारा है, इसको कैसे दें? नहीं देगा तो अभी संपात दे देंगे, ना दिला भी संपात दे। अच्छा बाबा जैसे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को विश्वामित्र के लिए दे दिया, दिए दिए छे वही रकम दिए दी, मंगली हो गए नहीं दिए दे, इसीलिए उन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा जब मैं जाऊँगा तो ठीक है अमी जाबो, किंतु अपवित्र अवस्था तमा के लिए जीते हमें ना, अपवित्र अवस्था से हमको मत ले जाना और यदि कहीं बीच में रख दिया तो हम उठेंगे नहीं। तो ठीक है हमको मंजूर है, हमार मंजूर है, बस उठा करके ले चले। और यहाँ आए तो बड़ी जोर से पेशाब लग गया। अपवित्र अवस्था में तुमको रख नहीं सकते, अपवित्र अवस्था पर रखते बैठे ऐसा जोर से हुआ कि मान लो जब कपड़े में हो जाए। कहे गिरिराज जी आप यहीं पर थोड़ा सा ठहरिए, मैं अभी अपवित्र अवस्था में तो आपको धारण करूंगा नहीं। गिरिराज गोवर्धन मुस्कुरा करके नीचे उतर गए। जब उनका वो हो गया स्नान उस्नान करके फिर आए, जखन स्नान करे प्रयास लें कहे अब हमारे उंगली पर उठ जाइए। कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं भाई, चाहे जो कुछ भी कर ली तो जाएगा नहीं, तो नहीं इतना दूर से लाया तुम जाएगा नहीं, तो जाओ यदि नहीं जाएगा तो अभी संपा देंगे जो इच्छा हो तुम कर दो, अब इस स्थान से मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा यहीं पर रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो एक एक क्षण तुम्हें एक एक तिल घटता जाएगा, एक एक तिल तुम्हें क्षीण हो गए यदि ना जाओ। एवं मस्त हमको मंजूर है, मरना मंजूर है किंतु इस स्थान से जाना हम मंजूर। कृष्ण का भजन करेंगे तो जीवित रहेंगे, यदि भजन ही नहीं मारते जीवित रहने की जरूरत क्या, यदि अभी भजन ना करते ये जीवन की प्रयोजन आर एक हंत क्या हमें लौड़ बोल। बस ऋषि बड़े दुखी होकर के चले गए। तब से गिरिराज जी को बस दिखलाया जा रहा जी ऐसा नहीं तो नित्य काल से ही यहाँ है, नित्य कलिया यहाँ पर वो स्थान है, बड़ा रसमय स्थान है। गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, ऋषिगण यज्ञ हो गोविंद कुंड आर गोपीराज सब दधि माखन दूध यही सब यज्ञर जन्न होम करवार जन्न आहुति दीवार जन्न घी इत्यादि सब माखन इत्यादि लिए जाच्छे मक्खन लेकर के जा रही हैं। जब यहाँ पर इधर से इधर पार होकर के इधर आएंगी वही होच्छे दान घाटी वही रास्ता टा होता ऐसे छे काम में बंद आर वही सब बोलिया स्थान थी के एक जाए अथवा एक खान थी उखने जाए। दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी रास्ता होता है उसको कहते हैं दान घाटी। अभी हम लोग दान घाटी वहाँ दे करके आए 15 रुपया दे करके तब इसमें प्रवेश किए, ऐसे नहीं आने देंगे यहाँ। तो कृष्ण यहाँ पर लठिया लेकर के खड़े हो गए, गोपियों से बोले अरे गोपियों तुम लोग ऐसे ही रोज रोज दधी लेकर के और दूध लेकर के पार हो जाती है और कभी भी टैक्स नहीं देती, दान नहीं देती। कहे तेरे बाप का है जो हम दान दें, ये तो हमारा है तुम्हारा तो बन है ही नहीं। कह नहीं ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। गोपियों ने कहा ये तेरा कैसा है बतलाओ। ललिता जी बड़ी प्रचंडा हैं, उन्होंने कहा जिसे तुम बतलाओ प्रमाण दो ये तुम्हारा है।
उन्होंने कहा वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमार पत्नी, अत जखन विवाह होलो तखन वृंदा देवी ए राज्य टामा के दिए दिलन तहा राज्य तानी जेति कहे गलो दीते होय ना पत्नी जे राज्य की पत्नी कोनो संपत्ति उ पति निजे थी के भेज जाए, पत्नी की कोई भी संपत्ति पत्नी का हो जाए पति मालिक उसका हो जाता है, इसलिए मैं इसका राजा हूँ और मैं वृंदावनेश्वर हूँ। गोपियों ने कहा जा अच्छा उसे बुला लाओ। गोपियों उनको वृंदा देवी को बुलाओ, वृंदावन का डाका वृंदा देवी का डाका हो, वृंदा देवी के देखे नहीं आसलो गोपीगण, तुम सत्य सत्य बोलो एक काला संगे तुम्हार विवाह हुए छे कि तुम्हारी शादी इस काले के साथ में तुम्हारा हुआ है कि या झूठ बोल रहा है। कहा जी इसको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, इससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है इस काले से, ये तो जानती नहीं हो एक महाराजा का लड़का एक्टिंग महाराजा थे परम सुंदर सब दिख दिए खूब भालो किंतु ब्रजर एकटी कोनो मेये के विवाह करते चाय ना, एक दिन आज पर्यंत एर विवाह होय नाई देखो ताले बुझो जे कत गुणी छेले नहीं समझ में आया करें कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और इसकी कोई भी लड़की ब्रज की छोटी सी लड़की भी किशोरी से शादी नहीं करना चाहती इसलिए आज तक ये कुंवारा रह गया, तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही जिसकी शादी नहीं होती है कोई राजी ही नहीं है इस पे तो जरूर कुछ बात है, ये बहुत झूठा आदमी है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी ही नहीं है और सत्य है ये कोई भी शादी से नहीं करे। हाँ तब पूछो तो ये वृंदा जी ने कहा नहीं नहीं इससे हमारी कोई शादी की कोई बात ही नहीं, कोई चली ही नहीं और हम यदि कोई बात भी चलती तो हम इससे शादी नहीं करेंगे, इससे हमारी कोई शादी नहीं। सब गोपियाँ मिल करके ताली बजा करके हंसने लगी, तो इसने बड़े लज्जित हो गए, नहीं नहीं फिर भी हमको देना पड़ेगा, देखी कहे कैसे बस हड़िया लुटना और फूटना कर दिया। गोपियों ने भी उनको मक्खन को थोड़ा सा दे करके और खिला करके यही दान घाटी के यहाँ पर लीला है। कृष्णचंद्र जी ऐसे ही कंदर प्रत्येक कंदरे कंदरे में सखाओं के साथ में सखियों के साथ में यहाँ पर विहार करते हैं, दही और मक्खन लूटते हैं और न जाने कैसी कैसी सब लीलाएं करते हैं, गायों को पानी पिलाते हैं मानसी गंगा में, गोविंद कुंड में, आराधा कुंड में, कुसुम सरोवर में, वो उधर में एक गैया सुरभि कुंड में पिलाते हैं, अपने पानी पीते हैं। अभी देखते हैं कोई पेड़ नहीं, आम का पेड़, केले के पेड़, कदम्ब के वृक्ष, ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं जो इसमें गिरिराज गोवर्धन में नहीं होता। सुंदर सुंदर पुष्प उसमें होते थे और कुसुम सरोवर उसका नाम ही है कुसुम सरोवर, सुंदर सुंदर वैजयंती माला गुजकर कृष्ण को गोपियां देती थी और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गुज करके राधा जी के लिए उनके गले में डाल देते। इसी तरह से यहाँ पर लीलाएं होती थी, भक्त लोगों ने देखा कृष्ण का लीला नहीं, अब उनको खोजने के लिए ये परिक्रमा करते हैं, मांगने के लिए कुछ नहीं, सोचते राधा और कृष्ण कहाँ के चंद्रे में होंगे और रोते रोते चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं उनको, ये गोवर्धन परिक्रमा का तात्पर्य है। ये नहीं कि गोवर्धन जी मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, हमारे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होंगे, इसके लिए नहीं, हमारे घर पर घर बन जाए, खूब संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, स्त्री हमारी हमको प्यार नहीं करती है, हमको प्यार करने लग जाए, ये सब नहीं, बस एक प्रार्थना करना चाहिए गिरिराज जी के चरणों में, जो पहले तो अपने निकट में निवास दें
और हमारी आकांक्षा पूर्ण करें। वो भक्ति के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ उनकी आकांक्षा है भक्तों की, वो मैं नहीं, जैसा चाहिए भाव गिरिराज के चरणों में निवेदन कीजिए। ये हमारी ऐसी कामना है, वो हमारी कामना है। तब गोपियों की दासी के अतिरिक्त और कोई वर उनसे न मांगा जाए तो अच्छा है, इसके बाद में आप नहीं जैसे। हम यही कह करके आप ध्यान से परिक्रमा करते हैं, हम लोग चलेंगे बहुत तेजी के साथ में, हम लोग चलेंगे। हमारे बेस्ट भालो करे चलबो, एक जने जहाज चलते पार में ना तारा तांगा नहीं ले, एकखाने अनेक बेला हो गल, এখন আমাদেরকে পৌঁছতে হবে রাধা কুণ্ডের সঙ্গে, ওইখানে আমাদের প্রসাদ ইত্যাদি করবে। এই জন্য আপনারা সব বহু কৃষ্ণ ছোট ছিলেন, যখন কৃষ্ণ ছোট থে বচ্চে, তো একদিন ঘর মে পকওয়ান বন রহা থা, পকওয়ান কোন ছে মানে কি পুরি পকওয়ান এ সব বন রহা, এ কি হচ্ছিল বাড়িতে, সুদা মা রান্না করছে আর ছক 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 খাদি তখন কৃষ্ণ মায়ের কাছে মহিলাকে পাশ মে চলে গে, কৃষ্ণ মায়ের কাছে গিয়ে আর তাহার কোলেতে বসবেন, আর তার এই ঘর ঘরে বলছে মা আজকে তুমি কি করছ, এত সুন্দর সুন্দর পকওয়ান খাবার দাবার এইসবগুলি হচ্ছে, এটা কার জন্য হচ্ছে, আমার কি বর্ষগাঁঠ আছে নাকি, আমারই কে বর্ষগাঁঠ হয় যে বনা রই হ্যাঁ মাইয়া, তো কুছ হমকো ভি দে দে। যশোদা মা জি থোড়া সা রুষ্ট হো গই, তো তুম যাও খেলো উধার, আপনি গোদি সে লে করকে উনকো হটা দিয়া, যে বার বার বাধা দেতা হ্যায় বার বার বিঘ্ন ডালছে। তব কৃষ্ণ কে আঁখো মে আঁসু ছলক আয়ে, কৃষ্ণ চোখে তে জল একটু এসে গা, বাবা বাস পাশে বাইরে বসে ছিল, বাবা কে পাশ গে, ও নন্দ বাবা কে পাশ, আর বড়ে প্রেম সে উনকি গোদি মে ব্যাঠ করকে বলনে লাগে, তার কোলে তে বসে প্রীতি সঙ্গে তাহার দাঢ়ি ধরে বলছেন, বাবা আজকে মা কি করছে, আজ अम्मा जी माता जी क्या कर रही हैं, आज तो हमसे बोलना भी नहीं चाहती हैं और हमको दुत्कार दिया और यहाँ पर आपके पास में आया,
आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी तुम जानता नहीं है, हमारे परिवार में परंपरा से परंपरा धरे कहने को तो बसत धरे हमारे यही रीति नीति चले आसे ऐसा हमारा इंद्रदेवर यज्ञ कर। आज के हमारे इंद्रदेवर यज्ञ दिन आज के पूरी मालपुआ कचौड़ी निये घरे घरे थे इंद्र याग हो गई, इंद्र की पूजा होगी और उसके बाद में उनका जो प्रसाद होगा सब लोग मिलकर के। और जब पिताजी ये इंद्र का यज्ञ क्यों, इंद्र यज्ञ क्या ना होच्छे? इन्हें बोलेंगे से इंद्र माध्यम वर्षा दे, अब वर्षा द्वारा फसल है गम छोला मटर मसूर धान ये सब भी है, गाछे ते फल है सरोवर ते जल है, जल ना थे हमारा जल होच्छे जीवन, जल ना पेले गेले हमारा मारा जाए, आ फल मूल कंद आर अन्न ना थाकले हमारा ना खेले, आर घास ना थाकले गरुरा थाक खावे ना तारे दूध की रकम पकड़े। अतए ब्रजर जीवन ही होच्छे कि जगतर जीवन होच्छे जल, आ जल दाता होच्छे इंद्र, एक जन हमारे इंद्रित जो होच्छे इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। मुझे जहाँ पर गोवर्धन की पूजा नहीं होती, जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती, जेखने इंद्र पूजा हो ना सेखने की वर्षा हो ना सेखने की धान गम चावल अन्न इत्यादि फल फूल हो ना सेखने की गाभी थके ना इंद्र रिटा कार्य न हमारे गोवर्धन यदि ना थके ताले जल पावा जाए ना এই মেঘকে গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ করে আর তার সঙ্গে দ্রবিত হয়ে মেঘ জল বর্ষা। এখানে বন জঙ্গলেতে ফুল ফল কন্দ মূল ফল এইসবগুলি হয় আর ফসল হয় আমাদের গোয়ের গাভীর হচ্ছে জীবন স্বরূপ গোবর্ধন, গোবর্ধন গো মানে গোপ, গো মানে গোপী, গো মানে গাভী, গো মানে গোবৎস, গো মানে গোপাল পালগণ, আর গো মানে ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বচা আর বাক পানি পাক পায়ুপাস সমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়, গো মানে জ্ঞান, গো মানে বেদ, বহু অর্থ হয় সকলকে বর্ধন করেন, বিশেষ করে গোপ গোপী গাভী সবকে যিনি বর্ধিত করেন তাদেরকে জীবিত রাখেনের জন্য তার নাম হচ্ছে গোবর্ধন। আমরা সকলে মিলে আজকে গোবর্ধনের পূজা করলে ভালো তিলমূল যায় তাই হবে, তুমি যা বলছ ছোট বাচ্চা কিন্তু তোমার বুদ্ধি তো খুব তীব্র। আচ্ছা বাস তিনি ঢোল বাজিয়ে দিলেন সমস্ত ব্রজেতে, নাগারা বজবা দিয়া আর ঘোষণা কর দি আজ হম লোক যায়গে গিরিরাজ গোবর্ধন মে, আর সবই লোক আপনি ঘর মে বনায় হুয়ে পুরে পকওয়ান রবড়ি মলাই ক্ষীর দুধ সব লে করকে যায়গে আর গিরিরাজ গোবর্ধন কি পূজা করেনে। সকলি নিয়ে গরুতে গরু গাড়িতে ছাকড়াতে, ছাকড়া মানে গরু গাড়ি, আর এই সবগুলিকে জিনিসপত্র রেখে সব ব্রজবাসীরা 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে যত আছে সব লোক এইখানে তো উপস্থিত হন। 14 মাইল একবারে ভর্তি হয়ে গেল সব চার দিক দিয়ে গোপ গোপীর দ্বারা, আর সকলে থাল লাগিয়ে দিল এইখানে তো বিরাট চারিদিকের জায়গা হয়ে গেল, পুরীর পাহাড় হয়ে গেল, মালপুয়ার পাহাড় হয়ে গেল, অন্যের ঢেরি হয়ে গেল পর্বত, এইরকম হচ্ছে পুয়া পকোয়ান সব কিছু হয়ে গেল। পরে কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধনের কাছে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চা বলছে প্রভু আপনি আজকে এই বনবাসী গর্মীকে সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করে দিয়ে আপনি প্রসাদ পান তাহলে বুঝব যে সে আপনি গিরিরাজ। তখন এক নিজে থেকে একটা রূপ ধারণ করে একটা আরাধক হয়ে গেল, একজন আরাধ্য হয়ে গেল, এক ভক্ত বন গে দুসরে ভগবান বন গে। তখন গিরিরাজ রূপেতে বিরাট আকার ধারণ করেছেন আর ওইখানে উপরে সে দেখছেন মন্দির ওইখানে দাঁড়িয়ে গেল, আর এক এক মাইল দু দু মাইল দশ দশ মাইল লম্বা হাত করে দিলেন, হাত লম্বা করে দিয়ে আর কৃষ্ণ যখন ভোগ দিলেন
एतत् नैवेद्यम ओम गिरिराजाय नमः बोलवार संगे संगे आबार दू हाथे ধরে একবার খেলে এক মিনিটের মধ্যে যা কিছু ওখানে ছিল সব কিছু তিনি খেলি আর খেয়ে এইখানে পাশে গোবিন্দ কুণ্ড আছে ভর্তি জল জব জল পান করে নিলে তাতে না হলো তাহলে মানসী গঙ্গার জল তিনি সব তিনি পান করলেন বলেন যে আরো নিয়ে এসো আরো নিয়ে এসো আনোরে আনোরে এটা হচ্ছে ব্রজ ভাষা আনোর মানে আর লে আও আর মুঝে ভুখ লাগিয়ে ভুখ মেরি কুছ ভি কম নেই হুই পেট অভি ভরা নেই তো দাঁত কে নিচে এক মে চলা গিয়া একটি দাঁতে তোলাতে যা দিয়েছিল সব চলে গিয়েছে আর মাঙ্গনে লাগে কৃষ্ণ নে হাত জোড় করকে কহা হম লোক গরিব ব্রজবাসী হ্যাঁ আমরা গরিব ব্রজবাসী আমাদের যা ছিল আপনার চরণেতে আমরা উপস্থিত করেছি আর আমাদের কিছু নাই আপনি এইটাই সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন গিরিরাজ একটু জল খেয়ে দেখার মারলেন দেখার দিয়া আর ইসকে বাদ মে তব দেখা গিয়া তো জিতনা যো থা দ্রব্য সব কা জ্যাসা কা তাসা অর ভি পড় গিয়া আর সব যা ছিল সব গুলি পূর্ণ হয়ে গেল তখন ব্রজবাসীরা খুব আনন্দিত কৃষ্ণ বললেন যে দেখো তো আজ পর্যন্ত ইন্দ্র কি এখানে কোনোদিন প্রকটিত হয়ে খেয়েছিল কি খায় নাই অত সেটি অলক্ষিত ভাবে এতে সবগুলি আছে অত যদি কেউ দেবতাও থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধনের সেবক হতে পারে গিরিরাজি ব্রজের রাজা আমরা তাহার প্রজা অতএব আজকে আমাদের যজ্ঞ সফল হলো তোমাদের যা ইচ্ছা এনার কাছে বর মাঙো সকলে কি বর মাঙলো আমার কৃষ্ণ ভালো থাকে যত লোক ওখানে ছিল যত ব্রজের গোপ গোপীগণ সকলে গিরিরাজ গোবর্ধন কাছে মাঙলো যে আমাদের আর কিছু চাই নাই আমাদের এই যে ছোট্ট টিকে যে কানাই লালা এইটি ভালো থাকুক এর কোনো বিঘ্ন বাধা না হোক এইটা আপনি বর দেন তারপরে সকালে খুব খেলো আর খাওয়া দাওয়া করে দিয়ে আর কীর্তন করতে 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 গিরিরাজের গোবর্ধন এইখান থেকে পরিক্রমা করলো নন্দ বাবা যশোদা আর সবগুলি বৃদ্ধগণ গরু গাড়িতে বসলো ছোট ছোট বাচ্চারা মালপুয়া খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো এখানে জুতো ফুটোর কোনো প্রয়োজন নাই বৈরাগ্য ত্যাগের এখানে কোনো স্থান নাই তারা খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো আর গরুগুলিকে আগে রেখে দিল লক্ষ লক্ষ গরুগুলি আগে চলতে লাগলো আর ওই ধুলাতে ধূসরিত হয়ে সব লোক গিরিরাজ গোবর্ধনে জয়কার করতে করতে পরিক্রমা করতে লাগলো বলো দুর্গা ইসকে বাদ মে পরিক্রমা হো গই घर में सब लोग चले गए बड़े आनंद से और दिन रात यही चिंता होते रही इतने में इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा नहीं की बस बिगड़ गए और 49 प्रकार के पवनों से ले करके मूसलाधार पानी मूसलाधार माने बस मोटो मोटो धारा हाथी के सुन के समान धारा से एकदम वर्षा करने लगे और प्रलय के समान थोड़ी देर में ही एकदम ब्रज को डुबा दिया आजकल अभी शीत नहीं पड़ी ठंड नहीं पड़ा एखन अभी ठंड पड़े नहीं अन्य बसरे ते खूब ठंड पड़े जेतो कई समय ते एक गिरिराजर पूजा कैक दिन पर ही होबे तखन बड़े बड़े दू दू तीन तीन टी लेप लागत एखन ए बसर कुन सब सीजन चेंज हो जाछे ओई समय ते वर्षा आर প্রচুর বর্ষা সব ডুবে গেল আর ব্রজের লোক সব মরতে লাগলো গরুগুলিকে থাকবার স্থান নাই তখন ওরা এসে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়াতে কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ করেন আর তাহার ওই যে গর্ত তার মধ্যে সমস্ত অসংখ্য ব্রজবাসী গোপীগণ ওর ভিতরে সে প্রবেশ করলো গরু গোবিন্দ শুনে গোপীরা নিজের নজরের উপরেতে দৃষ্টির উপরেতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে টেঙে রেখে দিল গিরিরাজ যদি তুমি পড়ে যাও নিচে তা তোমাকে ভস্মীভূত করে দিব আর ছেলেরা কি করলো যে কৃষ্ণের কোনো উপরেতে ভার না হয় এই জন্য তারা লাঠি নিয়ে এইরকম আর এর লাগিয়ে আমরা ধরছি কৃষ্ণ তুমি কোনো চিন্তা করো না তুমি শুধু হাতেতে ছুঁয়ে রাখো বাকি তো আমার সব ধারণ করো এই প্রকারে তো তারা ধারণ করলো ইন্দ্র 7 দিন পর্যন্ত বর্ষা না কতদিন করলেন 7 দিন কিছুই হলো না বজ্রদ্বারা আঘাত করলেন গিরিরাজের মনে হল যে আমার চুল কানি একটা হয়েছে কিছুই তাহার হয়নি
बड़ो आनंद जी आज के कृष्ण हमारा उंगली त्याग छन, हमारे उंगली पर वो खड़े हैं गिरिराज गोवर्धन जी, आज आनंद का उनका कोई ठिकाना नहीं, आज हमारा जीवन सफल हो गया। कृष्ण की उस सेवा करने के कारण गिरिराज जी भगवान भी बन गए, हैं तो भक्त किंतु जैसे हरि और हर एक हो जाते हैं मिलकर के, एक नहीं प्रिय के अर्थ में एक, उसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन कभी लोगों ने कहा जी यही भगवान है, ठीक है भगवान जो नहीं देंगे गिरिराज गोवर्धन जी देते, क्या दे सकते हैं गिरिराज जी, जो कुछ मांगो वही दे देंगे। इसलिए यशोदा मैया को नंद बाबा को भी कुछ मांगना होता है, इसे यदि कुछ मांगवा रो थके पहले गिरिराज गोवर्धन ने परिक्रमा दिए तार काछे प्रार्थना करते नहीं पूरा कर हमराऊ आर कहारो पूजा करी ना और किसी का आश्रय हम नहीं लेते, बस यदि कोई जरूरत है तो गिरिराज जी से कहते हैं संसार फुकार काने ना पोसी बे देह रोग दूर दब, संसार का जितना हमारा रोग है भव रोग सब रोग जरा दूर रहे, और संसार की संसार के झगड़े की बातें दुख की बातें, आज हमारा पति मर गया, आज उसको टीबी हो गया, आज उसको कैंसर हो गया, उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, उसकी लड़की घर से निकल गई, उसका लड़का बड़ा अबाध्य हो गया, आज हमारा घर गिर गया, और तरह तरह की बातें हैं। हे गिरिराज गोवर्धन जी हमारे कानू मन आए, हमारा चित्त चंचल नहीं हो, निश्चल चित्त से आपके कृष्ण चंद्र जी का राधा जी के चरणों का हम लोग भजन कर सकें, ऐसी सब प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में इंद्र जी देखा जे कुछ नहीं हुआ तो झट वहाँ पर सुरभि जी को लेकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगा और फिर उनका अभिषेक किया, वही गोविंद कुंड है। हम संक्षेप में ही केवल बतला रहे हैं, बहुत दूर चलना है और जल्दी जल्दी चलने की चेष्टा आप लोग करेंगे, 11 बजे के पहले ही हम लोगों को राधा कुंड के समीप में पहुँचना है, तो इसलिए वहाँ पर क्षमा मंगाया। भगवान ने क्षमा तो कर दिया किंतु अंदर से नहीं हुआ क्षमा, इंद्र को अभिमान था मैं देवताओं का राजा हूँ, विश्व का पालन करने वाला हूँ, कृष्ण को भूल गए, बस कृष्ण ने उनको दंड दिया और उनकी पूजा को छोड़ा दिया। गोविंद मनोरम दिल के था, यही पर हमारे राघव पंडित भजन करते थे। Oh, yeah.
taking bath at Manasi Ganga, the town of Govardhan.
This is Sharma Kani. This is Radha Kani. काम कर रहे हैं वास्तव में तो हमको मिलना चाहिए ये पंडा जी ले लेते हैं अरे जिसको पास नहीं है मत ले टॉवर्ड्स क्रिसमस रिवर वो लोकल दे आज जिसके पास नहीं है वो रहने दे हम दे देंगे অনেক লোক পিছনে কারণ करेगा ऐसा कह करके वो सब तारा खेलते लाग लें खेलते खेलते हठात करे कौन से पोठी पाठी मैंने कौन से तरह के पाठी है छे एमन एक असु से तार नाम छिलो ब्योमासु व्यवसाय जोग माया तारा जान जोग सब नहीं जानते आ तारा जोग प्रभावित है छोटो बड़ो है जे तो रूप पाल्टे लितो कतो रकमे तारा की करते এখন সেটি একটা সুন্দর কিশোর গোপ বালক বনে গেল আর বলে কৃষ্ণের নিকটে আসবে কৃষ্ণ তাহাকে একবারতে অঙ্কেতে ধরেছেন বুকেতে লাগিয়ে নিয়েছেন উনকো পকড় করকে গলে সে লাগালে
प्यारे सखा तुम इतने दिन तक कहाँ था? मैं तो तेरे लिए खोज रहा था जब तुम हमारे साथ में क्यों रहो। हमी तुम्हार जन्य हमें प्रतीक्षा करते तुम्हारे ना देखे हमें थकते पर ओ तुम हमारे कृपा करो तुम एस और तुम्हार संग और को दिन छाड़ब ना। से बोल आज के बेस सुजोग हो हमारा के चिंता पड़े ना हमारे तो खूब तहार विश्वास हो गए एन हमारे हो जाए। तक कृष्ण बोलें बलदेव प्रभु के ये अपनी एक दिगे हमें एक दिगे हमार सखा थकबे हमार दिगे ए रकम कर दिए खेलाधूला होते लगल बेस खेला जमे उठे एन य बने से चोर और ऐलरा बने से मो भेड़ बन गए और खेलते 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 जिनकी हार हो जाती उनको कुछ अपने कंधे में बिठा करके चलना होता या कोई और कुछ पन देना होता और वो क्या करता सेटी की करे वही एक एक टी छेले गन के लिए और वही ये गुफा देखा जाती वही गुफा के लिए बंद कर देते जब नहीं क्यों हार लो कि जीतने जा है गुफा देख रहे हैं और तखन विराट बोधा छिलो भीतरे आछे उ नकि छि ভিতরে অনেক রাস্তা দু চার হাজার লোক ওর মধ্যে ভিতরে রেখে দিতে পারা যায় কন্দরা হ্যাঁ ওসমে আদমি চলে যায় আরে ऐसी ऐसी কন্দরায় ও পাহাড়ো মে হ্যায় সুনতে হ্যায় গোবর্ধন সে লেকর কে ভরতপুর ইয়া নাথদ্বার তক ও ভিতরে ভিতর চলা গেল चित्रकूट में ऐसी गुफाएं हैं जैसे लाखों आदमी उसमें कहां जाने कहां चले तो इसमें लेकर के समस्त अधिकांश सखाओं को लेकर के बंद कर दिया। कृष्ण ने कहा जी हमारे सखालों को मैं देख नहीं रहा कहां गए खेलते खेलते बलदेव जी के तरफ में इशारा किया। बलदेव जी ने कहा ये आप साधारण ये है वो कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस इस पर निगरानी रखो। देखते देखते कृष्ण ने देखा अब सावधानी के साथ में सावधानी संग देख रहे से एक छिले देखे धरे आने जो वही कंदराते चले गए। कृष्ण देखा जैसे वही कंदराते चले गए तक अच्छा ठीक है चले गलो तपर जो फिरत आसलो तक चक करे कृष्ण ताके धरे धरवार संगे संगे विकराल रूप धारण करे विशाल रूप तक बलदेव देखल जैसे एक मारले पृथ्वी কম্পায়মান হয়ে যাবে। এই যে ওখানে একটা পাহাড় আছে পাহাড়ের উপর পায়ে ধরে এমনি ভাবে দাবিয়ে দিল ওনার চরণ চিহ্ন ওখানে আছে। তখন কৃষ্ণ তাকে ধরে আর তাকে ফেলে দিয়ে তার গলাটা কেটে দিয়ে তাকে মেরে ফেলে আর তারপরে ওই কন্দরা রূপে যে বিরাট পাথর ছিল তাকে উঠিয়ে দিল আর সে তার মধ্যে সখাগণকে ফেরাবার নিয়ে সখাগণ অত দুর্বল কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা খুব বলমান আর অসুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না আর কৃষ্ণকে হারিয়েও দেয় কেউ কেউ ইয়ে যোগ মায়া কা প্রভাব আপনা বলাবল নেই জানতে জেসে হনুমান আপনা বল নেই জানতে হনুমান নিজে বল জানে না ওই রকম এরা জানে যোগ মায়া প্রভাব থেকে তার নিজের শক্তি সামর্থ্য সব গুলিকে তারা ভুলে আছে কেন কৃষ্ণ নাই তো লীলাই হবে না ওই সখাই যদি তাহাকে মেরে ফেলতো তাহলে আর লীলা হতো না। এই জন্য লীলার জন্য তারা এইসবগুলি শক্তি প্রভাব এইসবগুলি কিছুই বিস্তার করে না। তারপরে কৃষ্ণ নিয়ে এইরকম করতে করতে প্রায় দু খবর পড়ে তখন তাদের খুব ক্ষিধা লেগেছে। তখন আমরা যাচ্ছি সেখানে ভোজন থালি ওইখানে তারা খাবে ওইখানে পর্বত পাহাড় একটু কিছু কিছু ছোট আছে উসমে উনোনে থালা জেসা কল্পনা করকে উসিকে উপর মে আপনা রখ করকে মৈয়া নে যো কুছ ভেজা হ্যায় রোটি अथवा जो कुछ मिश्री मक्खन या जो कुछ भी भेजा बस वहीं पर रख करके चेटी का आचार और रख करके सब खाने लगे। और वहीं पर एक आसन भी है जिस पर कृष्ण को राजा बना करके बैठा दिया और कृष्ण उस बड़े आनंद के साथ में बैठ करके तरह तरह की लीलाएं करने लगे। हम लोग भी उसी लीला स्थल में जाएंगे आप लीलाओं का स्मरण करें। गौ प्रमाण Oh, I'm going to do it.
और रख करके फिर सभी लोग लूट लाट करके सब खाया करते। अच्छा। और ये कृष्ण का सिंहासन है उधर में, और चारों तरफ में खाली कटोरी चारों तरफ में बनी हुई है, जहाँ जो पाता वहीं पर खा लेता। अभी हम लोग ले करके ले लेंगे, तब फिर यहीं पर इसकी धूली सिर पर सब लोग लेंगे। प्रथम जल तक कुछ है Hare Krishna शंका होती है कि किसी ने पीछे से इसको खोद करके बना दिया, ऐसा मत समझना। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। क्या आज से 5000 वर्ष या और कितना वर्ष, हजार वर्ष पहले पुराण लिखा गया, और प्रत्येक पुराणों में ही कृष्ण की लीलाओं के संबंध में, गर्ग संहिता में इस सब का उल्लेख है, भोजन थाली का, और उसमें भोजन की थाली हुआ है और सखाओं लोगों के साथ में खाया करते थे। शंकराचार्य जी आए, उसके बाद में मध्वाचार्य, रामानुज भी आचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भी आज से कितने 100 वर्ष पहले आए, 600 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और आकर के इनका दर्शन किया और यहाँ की धूली लिया और नित्य कीर्तन करते थे, प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। जब हम लोग एक बार पहले आए, इसका पानी इतना सुंदर स्वच्छ था, और इसमें सिंघाड़ा, इसमें पानी फल एकदम इतना सुंदर,
नहीं? सब लोग खाने लग गए उसमें लेकर के, और आदमी आया लठिया लेकर के। फिर हमने कहा जब पैसा ले लो भाई, यहाँ पर मूली इत्यादि होता था, हमने सोचा जब मूली है तो आप लोगों को मूली खिला दे। तो मूली काज ने कहा तो कौन है तो दो चार किलो ले आना पैसा देकर। इसके बाद में यहाँ पर कृष्ण की सब लीलाएं हो आ करती थी, वो चार भगवान मूली अरे 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 এইখানেতে কৃষ্ণের কত রকমের যে লীলা হতো তাহার ইয়ান। এইখানেতে যশোদা মায়ের বিহার, বিহার মানে কি বাপের বাড়ি যশোদা মায়ের, কৃষ্ণের মামা বাড়ি এইখানে। আর এইখানেতে পাণ্ডবের স্থান আমরা যাবো, ওখানে দেখাবো। এখানে দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা পরাস্ত করেছিল, এইখানেতে দুর্বাসা ঋষি তিনি এসেছিলেন পাণ্ডবগণ কাছে, পাণ্ডব কি হ্যাঁ আয়ে থে 60,000 শিষ্য কো লেকর কে যে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি কো হম অভি সম্পাদ দে দেঙ্গে, কিন্তু ইহি পর উনকা মান মর্দন হো গয়া, ইয়া সে ভাগ গয়ে। কৃষ্ণ নে থোড়া সা খা লিয়া, সাত অকাদ তৃপ্ত উসমি তৃষ্ণ, পেট ফুল গয়া, বস ভাগ গয়ে। আরে ওরা কি কোন ইহা পর পাণ্ডব লোক বহুত দিনো তক গুপ্তবাস কিয়া। यहाँ पर कामेश्वर महादेव समस्त प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर कितने सैकड़ों कुंड हैं, लुकलुकी कुंड, जहाँ पर कि बच्चे सब डूब करके और खेल में फिर ऊपर जाते थे। श्रीमती राधिका जी एक किनारे में खड़ी रहती और सखा लोग एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, वो भी एक मील दो मील लंबा। ऐसा यहाँ पर पोखर भी है, एक मील तो नहीं किंतु थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। बस कृष्ण वहीं से डूब करके घड़ियाल बनकर मगर बनकर के उस पार निकल जाते और उनका पैर पकड़ लेते, कहिए क्या पकड़ लिया, और इतने में छोड़ करके फिर जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती काशी ने भजन किया था, उनकी निष्ठा कैसी है। हमारे पास में पैसा नहीं, वृंदावन कैसे जाए, घर बेच देंगे, घर नहीं है तो लड़की है तो उसको भी बेच देंगे, किंतु वृंदावन जाएंगे। अभी लड़की भी बेचने के लिए नहीं है, कोई नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बीच बाजार में उसको खड़ा कर देंगे। अभी हम वृंदावन जरूर जाएंगे, अर्थात मान सम्मान सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हमको जा करके भजन करना है। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक उन्होंने भजन किया था। यहाँ पर 84 कुंड या कितने हैं, नंद का भवन जिसमें 84 खंभे हैं, इधर से गिनो तो कोई बढ़ जाएगा, इधर से गिनो तो कम जाएगा, वो पूरा ठीक ठीक आता नहीं है। यहाँ पर यक्ष और अर्जुन उनका पांडवों का दुर्योधन महाराज का संवाद हुआ था। किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, वहाँ पर हम सब सुनाएंगे। ऐसी ऐसी सब लीला स्थली है कृष्ण की, यहाँ पर सब सुंदर रूप से ये सब हुआ। हम लोग लीला स्थली को प्रणाम करके और तब फिर आगे चलते हैं। হরি হরি রাম
लगाया, लगा करके दबा दिया जिससे कि पुतली अच्छा है, तब उसको उठा कर यहाँ पर सब बच्चे लोग, बच्चे लोग खेल कूद करने के लिए यहाँ जाते, अपनी गैया बछड़ों को सब छोड़ देते यहाँ पर पर्वत पर, और ये चरने लगते। उस समय में यहाँ पर सुंदर सुंदर घास थी, सुंदर सुंदर तालाब से सरोवर थे, छोड़ दिया ऊपर चरने लगे। और तब कृष्ण यहीं पर ऊपर से पिछलते थे, सब बच्चे लोग पिछलते थे, बड़ा उनको आनंद आता। इसके नाम पिछल पहाड़ी हो गया, ये भी उसी समय की है। ये हम एक बार गए थे गुरु जी के साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पहाड़ पर हम चले गए, शायद यही था या उसमें हिरण का चिन्ह, गौओं के बछड़े के चिन्ह, गौओं के चरण चिन्ह, हजारों हजार एक दो नहीं, ऐसा बजाया बंसी, सब पहाड़ का पहाड़ पूरा कर गया। और उस पर जितने गौए बछड़े जो कुछ थे और सखा के चिन्ह सब उसको उभर। अब उसके बाद में हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम याद ही नहीं ये कौन कौन सा पर्वत, किंतु कामे वन में है, काम बंद कर दिया। प्रभु प्रभु आप और अपने पानी पीते थे, और इसी में भूख करके उधर में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बद्रीनाथ और इधर में है केदारनाथ, ठीक केदारनाथ जैसा ही चढ़ा और जैसा बद्रीनाथ का है वैसा ही। हम लोग अपनी परिक्रमा के बाद में एक दिन जाएंगे केदार और बद्री में जाएंगे। ऊपर डुबले नहीं पड़े ना, महाराज वो उधर का जो ताड़ का है ना, और वही वाला, हाँ हाँ, पहले पानी भरा रहता था पानी, ये सब कृष्ण का गोचारण का स्थान है। बासी में यशोदा जी का एक कुंड है, ওইটা কি বললো বদ্রীনাথ, এইটা হচ্ছে কেদারনাথ।
जयपुर नरेश ने जो भी मंदिर बनाया है उस मंदिरों को तोड़ फोड़ देंगे और विग्रह को भी तोड़ देंगे। इसलिए औरंगजेब बड़ा धर्मांध था, हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया। कृष्ण की जन्मस्थली का मंदिर तोड़वा करके उसे मस्जिद बनवाया। वृंदा देवी वृंदावन में गोविंद देवी का मंदिर तोड़वा करके वहाँ पर भी मस्जिद बनवाया। उसी ने हरदेव का मंदिर ऊपर का चूल्हा तोड़वा दिया। इसी तरह से वृंदावन को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ था। इसका कारण ये था, जयपुर के नरेश अकबर को अपनी बहन की शादी दी थी, इसलिए समस्त राजपूत उनके विरोधी हो गए। सब राजपूत का विरोधी हो गए। महाराणा प्रताप इत्यादि अपने पंक्ति से उसको हटा दिया, एक लाइन में नहीं खिलाया, इसलिए और वो क्रोधित हो गया और अकबर का साथ देकर के अपनी बहन क्या क्या बाई नाम था उसका शादी उससे करा दिया। एक तरह से मुसलमान बन गया। फिर उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में शिवाजी को कैद कर लिया और दिल्ली के दिलखाने में भर दिया। तो शिवाजी और यहाँ का नरेश जयसिंह या मानसिंह वो उनके मित्र थे। न कि हिंदुओं के ऊपर में कितना अत्याचारी औरंगजेब करता है और हमको जेल में बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए। यदि जेलखाने से कितने तरह से निकल जाऊँ तो हम इसे दिखला देंगे, इसका राज्य भ्रष्ट करके और यहाँ से हम लोग भगा देंगे, इसे मेरी सहायता कीजिए। नहीं, क्या सहायता करूँ, मैं जेलखाने में बंद हूँ और द्वादशी को मैं सब लोगों को अपने जन्म दिवस में आ रहा है द्वादशी को, इसलिए अपने द्वादशी के दिन में मैं अपना जन्मदिवस मनाऊँगा। मेरे लिए बड़ी सी टोकरी में
बताशा भरवा करके भेज दिए जैसे मैं सबको बांधूंगा, बस आशा आशा इजाजत ले ली। उन्होंने उनका मित्र था जयपुर का नरेश, बस उससे आदेश ले लिया और आदेश लेने के बाद में मिठाई भर करके भेज दिया। शिवाजी उसी टोकरी में बताशा हटा करके उसी में बैठ गए और ऊपर से ढकवा दिया कपड़े से और जेलखाने से निकल करके चले आए। निकल करके भाग करके जब एक दिन रात हो गया जंगलों के रास्ते से और एकदम किधर से किधर निकल गए, वेश बदल लिया और उसके हाथ से निकल गए, हाथ से चिड़िया निकल करके जैसे उड़ जाती है ऐसे उड़ गए। और औरंगजेब ने कहा शिवाजी सुरक्षित जेल में है तो? उसके सीआईडी ने कहा कि वो तो कभी कल ही निकल करके भाग गया। काज ने कहा कैसे भागा? उसी मिठाई के टोकरी में। ओ तो ये जयपुर नरेश का इसमें कुछ चक्रांत है, षड्यंत्र है, उसे पकड़ लो। वो पहले ही उसके पहले निकल गए और वृंदावन में जितने मंदिर में उनकी मूर्तियाँ थीं, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद जी, राधा माधव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मैंने जितने ये मूर्तियाँ थीं, वृंदा देवी ये जो देख रही हैं ये वहीं पर थी, सबको लेकर के अलग अलग रथों में बैठा करके और वृंदावन से निकाल देंगे, ये हमसे अब शत्रु बन जाएगा और ये तोड़वाएगा मंदिरों को और मूर्तियों को, मत ले करके चलो। बस दिल्ली नरेश उधर भूकंप दिया, ये जयपुर का नरेश भी भाग गया और वो भी शिवाजी भी भाग गया। अब इनको जहाँ भी है पकड़ो और इनको जेल खाने में लाओ, इनको हम सूली चढ़ाएंगे। और इनके जितने बने हुए मंदिर हैं ब्रज के अंदर में, जयपुर का नरेश का बहुत बड़ा भारी योगदान है। गोविंद जी का मंदिर बना है, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का तो दूसरा है। तो इस तरह से सब मंदिरों को तोड़ना है। बस जब सेना लेकर के आया तो उसके पहले ही सब मंदिरों से मूर्तियों लेकर के वहाँ से पहले आए राधा कुंड में। राधा कुंड में शाम को चले, रात हो गई, राधा कुंड में ठहरे, इसलिए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इत्यादि का सब मंदिर वहाँ। फिर वहाँ से दूसरा पड़ाव आया, ये काम में बंद में रहे। अब ये राजस्थान की सीमा में आ गया, उनका डर है धीरे धीरे कम होता गया, सोचा जी अभी भी दिल्ली से ये निकट है इसलिए और आगे ले चले। फिर यहाँ रात में रहे, यहाँ गोविंद जी को रखा, यह गोविंद जी का मंदिर, ये वृंदा जी का, मदन मोहन का मंदिर उधर में है और गोपीनाथ जी का भी मंदिर उधर ही है। और सब ठाकुर जी को लेकर के रख करके अलग अलग पूजा करके फिर दूसरे दिन वहाँ से चले। फिर वहाँ से चलते 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 फिर धीरे धीरे में जयपुर में पहुँचे, अपने राजभवन में गोविंद जी को रखा, उसके पास ही में गोविंद मदन मोहन जी को और गोपीनाथ जी को भी रखा। गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में, गोविंद जी हैं, मदन मोहन उनकी लड़की लेकर के चली गई करौली में, उन्हीं की वो लड़की थी, अब वो अब उपहार के रूप में ले लिया। वृंदा देवी किंतु यहीं रही और गोविंद गोपीनाथ मदन सब चले गए। अब ये प्रतिभूत विग्रह बना के रह गए। इसके बाद में फिर जयपुर में वो सब लोग चले गए। इसके बाद में वहाँ पर जाकर के औरंगजेब से बहुत बड़ी भारी लड़ाई हुई किंतु अब कुछ कर नहीं सका। इसके बाद उसके राज्य में विद्रोह हो गया, फिर गड़बड़ होकर के साथ जब मूर्तियों को जो तोड़ना आरम्भ किया था मंदिरों का गिराना, इसलिए उसका राज्य भी एकदम साफ टूट टूट करके साफ नष्ट भ्रष्ट हो गया पीछे से और अंग्रेज ने। तो ये वृंदा जी का मंदिर है, पहले राजकीय रूप में इसकी बड़ी भारी सेवा होती है, देखिए कैसा विशाल मंदिर है। उस समय ये बहुत विशाल मंदिर था, आंगन भी बहुत प्रशस्त था। उस समय में काम्यवन बहुत ही सुंदर और मनोरम शहर था, यही वृंदावन माना जाता था। वल्लभाचार्य ने यहीं पर अपनी गद्दी बिछाई पहली और यहीं पर चंद्रमा, क्या नाम, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी, चंद्रमा माने गोकुल का श्रेष्ठ ने, और गोकुल के ये चंद्रमा कौन है, उनका वहाँ पर मंदिर बने। और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर हुए, यह पहले यहाँ पर राजधानी थी, बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी और बहुत ही सुंदर शहर था। अब खंडहर ही खंडहर आपको मिलेंगे, व्यवसाय का भी बड़ा भारी केंद्र था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ आते थे
और बड़े सुंदर रूप से इसकी सेवा इत्यादि हुई। हम लोग भी अभी 30-35 वर्ष आगे आए थे तो अभी एक कुछ रौनक तौनक थी और बड़ा सुंदर रूप से चलता था। धीरे 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही काल के कराल में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े क्या क्या कहानी, मथुरा बिगड़ गया था, फिर जैसे फिर अभी बन रहा है। वृंदावन भी एकदम जंगल हो गया था, कि पीछे से चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में तब फिर ये चैतन्य महाप्रभु के पहले इसी को वृंदावन आदि वृंदावन कहते थे। तब एक नई बात होती है, चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने कहा ये जमुना जी के किनारे होना चाहिए वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन में जमुना जी नहीं, और भी राशस्थली कहाँ है, बंसीवट भी तो वहाँ पर होना चाहिए, पास ही में कृष्ण का आवास भी होना चाहिए, छठी करा पासी में मथुरा होना चाहिए। सब विचार करके देखा, ये भी ब्रज है, ये ब्रज से बाहर नहीं है, ब्रज ही है, किंतु वृंदावन 16 कर्ष की परिधि में वृंदावन से लेकर के बरसाना नंदगांव गोवर्धन सब उसके अंदर में, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा होती है, उसके बाद में एक होती है 16 कोष वाली परिक्रमा और एक 84 कोष की इसके अंदर में, ये सब स्थान बड़े उन्नत। यहीं पर पांडव लोग आए, बहुत दिनों तक गुप्तवास किया, यहीं पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, यहीं पर यशोदा जी का घर था, पिताजी का घर, कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे, उच्चारण किया, लुकलुकी कुंड दिखलाया, और कितने 84 कुंड न कितने कुंड हैं, कितने मंदिर थे, अब वो सब इधर कहाँ चले गए सब। फिर समय आएगा, फिर कृष्ण की लीला होगी, फिर उस समय में फिर नए हो जाएंगे, तब एक बात करेंगे। कभी भी इन आँखों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इन आँखों का देखा हुआ सप्तम, ये तो जड़ चीजें देख सकती हैं, कृष्ण लीला कृष्ण धाम ये सर्वत्र सब समय एक ही समान रहता है, उसमें तनिक भी कोई अदल बदल नहीं होती, इटा नित्य भूमि, ज्यादा श्रद्धा होवे वही श्रद्धा अनुसार नित्य प्रकाश तहार निकटे प्रकट कर दी गए। इसीलिए हम लोग यहाँ की धूलि को सिर पर लेंगे, ये वृंदा देवी पहले वृंदावन में थी, चलिए आई वृंदा देवी का वहाँ पर कोई भी दूसरा विग्रह नहीं था, तो हम लोगों के गुरु जी ने ऐसा स्फूर्ति की वृंदा देवी एक होनी चाहिए वृंदावन, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर वृंदा जी की स्थापना की। वृंदावन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये अलौकिक एक काम हुआ, ये यहाँ पर वृंदा जी सुधारे और कुंज बिहारी वहाँ पर, इस तरह से उसका नाम भी रख दिया गया श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ, जो वृंदावन के 84 कोष ब्रजमंडल में उन्होंने सब प्रकाशित किया। अब हम यहाँ से कामेश्वर महादेव को जाएंगे, और कामेश्वर महादेव में यहाँ के पांडव लोग का गुप्त यहाँ पर ठहरे थे, दुर्वासा जी जहाँ पर द्रौपदी से द्रौपदी ने वो घड़िया उलाट उसमें से एक तिनका कृष्ण को दिया था, वो स्थान यहाँ पर जक्ष और ज्योतिषी से संवाद हुआ था, इन सब स्थानों को संक्षेप में हम आप लोगों को देख लाएंगे। पास ही में यहाँ से दूर नहीं, यहाँ से करीब करीब आध मील पर जंगल के रास्ते में बंद के रास्ते में 84 खंभा, तो पास ही में वो रामेश्वर है, सेत बांध रामेश्वर है, लंका वहीं पर है। गोपियों ने कहा तुम बड़े झूठे मक्कार हो, तुम लबार हो, तुम्हें झूठा, तुम सब समय मिथ्या कथा बोलो, तुम्हें बोलते जैसे हमी राम, ताले यही नदी ऊपर एक पुल बेंदे जाओ ना सरोवर ऊपर और बंदरों को लेकर के इसमें लगाओ तो हम समझेंगे। तो कृष्ण ने बंसी बजाई और लाखों बंदर वहां पर उपस्थित हो गए, और कहीं कहां से पहाड़ सब ले आए बड़े बड़े टुकड़े, और झट एकदम पुल बांध दिया, और कृष्ण गोपियों को लेकर के इस पार से उस लंकापुरी में चले गए, सेत बांध रामेश्वर की वहां पर स्थापना की। अभी वो सब दृश्य है, अभी देखने से मालूम होता है कि ये मिनी लंका है, ये मिनी रामेश्वर है, मिनी माने क्या ऐसा अभी भी मालूम पड़ता है। कृष्ण की ये सब लीलाओं की दुनिया है, यहाँ आने से अंततः उनकी चरण धूलि तो हमारे ऊपर में उड़ करके लगेगी, यदि हम लोग ही लगाएं ऐसा तो भी उड़ेगी और हम लोग के सिर पर सर्वत्र लग जाएगी,
हम उस भूली कला से वंदना करें कि आप कृपा करके हमको राधा कृष्ण का दर्शन और लीलाओं का दर्शन करने जो कि अधिकारी है। अब चलिए हम लोग काम महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हम सेवा बताते हैं, मैं भक्तों की जो सेवा करूँ वो करेगा। तो ये जो मैं काम को सूक्ष्म बच्चा सुनाऊँ काम क्या चीज है सरस्वत कर्ती है ये ध्यान रखने की बात है। ये गंगा जी बैठी थी 6,60,600 सिंहासन पर होते यहाँ पे हमारे काम में महात्मा जी कथा के अनुसार 6,60,600 सिंहासन प्रमाण थे। जब 6 साल गए ध्यान में आप हमें कराते हैं वहीं पर सिंहासन मान लिया गया है। आ गया शुभानंद महत्व बोल दे पूर्ण बोलो को प्रसन्न किया। दुर्योधन ने अपने घर में खूब खिलाया पिलाया, प्रसन्न हो गए वर मांगो। उन्होंने कहा जिससे जैसे आपने हमारे ऊपर में कृपा की ऐसे ही पांडवों पर कृपा करें। और उनके यहाँ आप अभी अतिथि होकर के जाइए और आप कृपा करके दोपहर में जाइए। दिन ढलते समय में जिस समय द्रौपदी भी खा ले सब लोग खा लिए हैं उनको कष्ट न हो तब जाइए। सीधे साधे मानी ऋषि कुछ समझ नहीं सके, सोचे कि उनके घर में तो बहुत कुछ होगा बना करके उसे फिर हमको खिला दें, ये तो नहीं जानते थे। ये जिसमें गड़बड़ी दुर्योधन चल रहा है, उनके पास में एक सूर्य की दी हुई थाली थी, बटोरी थी, युधिष्ठिर को दिया था और कह दिया था ये द्रौपदी उसमें जो रसोई बनाएगी अक्षय होगी और सब लोगों को खिलाने के बाद में अंत में वो खाती है और खाने के बाद में उसको माँज धूल करके सब साफ कर देगी तब हंड या कुछ नहीं देगी। और नहीं तो जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जो जितने लाखों लोगों को देगी, प्रतिदिन सबको खिलाती थी। सोच लिया होगा जैसे अब जरूर वो खा लिया होगा, कहिए अब आप जाइए और उनका आतिथ्य ग्रहण। ऋषि 60,000 ऋषियों को लेकर के विमल कुंड के किनारे आए। 60,000 ऋषि और सब लोगों ने बड़ा उनका अवभगत किया, अभिवादन किया। उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, मैं अभी सरोवर में स्नान करता हूँ तेरा और आप लोग सब ठीक करके रखिए अभी आकर के प्रसाद। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। ऋषि लोग चले गए और स्नान करने लगे और इधर में इन पांडवों को बड़ी भारी चिंता हुई। द्रौपदी के पास में गए, उन्होंने पूछा बटलोही को धोया तो नहीं अभी, अतः धो दिया। इधर तो दुर्वासा ऋषि आए हैं कुछ नहीं भोजन करने से तो वो अभी संपात दे देंगे, हम सब लोग अभी उनका अभिशाप से जल मतलब से खत्म हो जाए। द्रौपदी जी ने बड़ी चिंता की, हे प्रभो आप हमारी रक्षा की, हे गोविंद राण अब सब समय आपके अतिरिक्त हमारा और कोई दूसरा नहीं जिससे मैं कुछ कहूँ, अब जल्दी से हमारी आन रखो नहीं तो अभी हम सबको जला करते हैं। इतने में देखा जे पास ही से वन में से कृष्ण मुस्कुराते हैं वहाँ पर उपस्थित हो। सब लोगों ने प्रणाम किया, कुशल है, कुशल है कि 60,000 ऋषि अभी आए हैं भोजन करने के लिए, अभी यदि नहीं दिया जाएगा तो ये हमें जला डालेंगे। द्रौपदी जी को आश्वास हो गया विश्वास अब तो जान बची। कृष्ण कहा कि द्रौपदी तूने खा लिया तो खा लिया, बटलोई कहाँ है तो वो तो माज करके मैंने उल्टा करके रख दिया, अरे जरा लाओ तो सही, तब वो ला करके क्या होगा उसमें तो है नहीं, अच्छा लिया हो तो देखो यदि उसमें कुछ है। ले आकर के कृष्ण ने बारीक नज़र से देखा, वो तो धुल ही गया था, कृष्ण ने कहीं से लगा दिया या कहीं से बच गया,
एक थोड़ा सा पतला सा उसमें लग गया अंत भीतर। बड़ा कृष्ण ने उसे बारीक रूप से देख करके उसे अपने हाथों से उसे निकाला और निकाल करके मुख में ऐसे दे दिया और पानी मंगा और पानी खूब पी करके पेट भर गया। तृप्तोष्णी डकार दिया खुद को और तृप्तोष्णी कहा उधर स्नान कर रहे थे उनके पेट खुल गए और डकारने लगे। इतने में भीम गया गदा ले करके भीम को देखते ही कहा जल्दी मांगो नहीं तो आज प्राण रक्षा है। एक अम्बरीश से ही तो हम डरे हुए हैं न जाने क्या हो जाती थी कृष्ण दर्शन। यहाँ पर तो एकदम उनके और प्रिय भक्त लोग हैं कई सुदर्शन चक्र घेर करके काट दिया तो खत्म हो गए। बस जल्दी से वहीं से भागे भूल भुआ स्व महाजन तप सत्य पार करते हुए भक्त के चले प्राणों की रक्षा। यहीं पर जबकि पांडव लोग थे अरे थर लोग था यहीं पर जब थे कर्ण दुशासन और शकुनी दुर्योधन सब मिलकर के मंत्रणा की आज ही वहाँ पर आक्रमण करके उनको बंदी बना दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए सारा जीवन के लिए झंझट और टंटा मिट जाए। बस वहाँ से लेकर के रात बड़ी भारी सेना चले। सब पितामह ने द्रोणाचार्य ने मना किया तो भी नहीं माने उनको छोड़ करके आप ये सब बाकी सेनाओं को लेकर के आए। जब एकदम निकट में पहुंच गए तो रसोई बनने लगे। This is Bhima Arkham. It smells underneath. Look. ये नंदगांव की एक सीमा है। जबकि अक्रूर को भेजा कंस ने जब यहाँ आए तो चरण चिन्ह देखे चारों तरफ उनके चरण चिन्ह विशेष करके यहाँ पर ये देखा तो एकदम हृदय में आनंद छा गया आँख से आंसू आने लगे और एकदम लौट गए अपने छाती के नीचे चरण चिन्ह को रख दिया और बड़ी से यहीं से स्तौत्र स्तुति उनकी करने लगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं इस स्थान में आया। जिन चरण कमलों को होने से ये गंगा निकली है इतनी पवित्र जिस चरणों के प्रताप से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि और शंकर जी प्रलय इत्यादि कार्य करते हैं ऐसे पर ब्रह्म हैं और मेरे भतीजे बने हुए हैं। अच्छा चले तो वहाँ हमको वो पहचाने थे वो नहीं हमको चाचा कर भी एक बार भी पुकारा तो हम समझे कि हमारे जीवन करने बहुत तरह की स्तौ स्तुति करने लगे। ये उनके शरणागत भक्त में से एक फिर गए नंद के यहाँ। शाम हो गई थी वहाँ पर पहुँच करके घर में गए नंद बाबा से भेंट हुई
कृष्ण बलराम जी इनके आए, इनको प्रणाम किया और चाचा जी कहने लगे। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने अखबार में भर दिया और तरह तरह के स्थल को चिन्ह किया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग वसुदेव जी के लड़के हो, आप तो ये तो भगवान है किसी के लड़के नहीं, तभी वसुदेव जी के लड़के हो, देवकी के पुत्र हो। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी महाराज गए थे गोकुल में, अब लोग तुम बड़े हो गए, तुम्हारे लिए ही देवकी और वसुदेव कभी जंजीर में बंद करके जेलखाने में रखा है। रोज गाली गलौज करता है, पैर से ठोकर मारता है, बड़ा अपमान करता है। ये तुम लोगों के लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है कि तुम्हारे पिता होने से और तुम्हारे लिए ही उनको इतना कष्ट देते हैं और तुम लोग अब बड़े हो गए, अब तो जरूर इनकी रक्षा करनी चाहिए। रात भर इनको पाठ पढ़ाते रहे, विशेष करके बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया। अच्छा तो दुष्ट असुर को हम लोग मारेंगे, मालूम होता है कि उसका काल आ गया। जब काल आता है तो एक सर्प को लेकर के गले में आदमी लपेट लेता है और उसको काट डालता है, ऐसे ही इसका काल आ गया है, हम जरूर चलेंगे। फिर नंद बाबा के पास में आए, बोले वसुदेव जी आपके भाई हैं और उनके लड़के हैं, आप इनको जाने दीजिए, कल रंगशाला में बुलाया है और कृष्ण बलदेव जरूर उसका वध कर डालेंगे, आप उसको जाने दीजिए। ब्रज के लोगों ने जब दूसरे दिन सवेरा हुआ, ब्रजवासियों ने सुना तो बड़े रोने धोने लग गए, यशोदा नंद को गाली देने लग गए, ये अक्रूर आया, अक्रूर नहीं है ये क्या है, क्रूर है, जो कृष्ण और बलदेव को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और झूठ बोलता है कि ये देखिए वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण। इसके बाद में सब लोग आकर के यशोदा जी से उल्हाना दिया, यशोदा जी ने खाट के अंदर में कृष्ण को छिपा लिया, किसी तरह से आने नहीं देंगे। नंद बाबा ने कहा मेरी शपथ है मैं इनको ले जाऊंगा और साथ ही ले आऊंगा, यदि नहीं आया तो मैं भी घर नहीं लौटूंगा, मैं जरूर उनको लेकर के आऊंगा। तरह तरह की शपथ खाई और नहीं तो कम से इस पुरी को उजाड़ देगा नंदगांव को, इसलिए तुम किसी प्रकार से जाने दो और कल नहीं तो परसों जरूर हम लेकर के चले आएंगे। कृष्ण जब रथ पर जाने के लिए तैयार हो गए तो अब जितने ब्रजवासी लोग थे सभी लोग हाहाकार करने लगे और गोपियाँ तरथ के सामने गिर पड़ी, सत्याग्रह कर दिया किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। उस समय में कृष्ण रथ से उतर करके गोपियों से मिले, उनको सांत्वना दी, कल नहीं तो परसों जरूर मैं आऊँगा, इसलिए पलसो नाम हो गया उस गांव का जहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परसों जरूर आऊँगा, सी परसों उसका नाम है। इसके बाद में उनको सांत्वना देकर, किंतु उनको सांत्वना नहीं हुआ, मूर्छित स्थिति में उनको छोड़ करके और अक्रूर ने रथ हाँक दिया और मथुरा की तरफ नहीं चले। तब से गोपियाँ घर में नहीं गईं, रसोई नहीं बनी, तरह तरह की विरह की बातें हुई। फिर हम लोग परसों आएंगे तो फिर वहाँ पर उद्धव क्यारी में इस सब की बातें हम लोग बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से पावन सरोवर जाएंगे जहाँ पर कि नंद बाबा यशोदा जी ब्रजवासी लोग स्नान करते थे, कृष्ण भी सखाओं के साथ में स्नान करते थे, गायों को पानी पिलाते थे, बछड़ों को पानी पिलाते थे। ये सब स्थान दर्शन करके हम लोग आज सीधे चले जाएंगे कोकिल वन, जहाँ पर कृष्ण कोकिल बन करके कुहू कुहू करते थे और गोपियाँ सब वहाँ से मिलती थी। वहाँ से हम जाएंगे कहाँ तुम्हारी ससुराल रही, वहाँ पर हम जाएंगे वहाँ से बहुत दूर और पैदल का रास्ता वहाँ से, फिर जाना एक मील दो मील और आना, तब तक शाम हो जाएगी। इसके बाद में जाएंगे वहाँ पर जावट में, जाबट जिस बट के नीचे उनका राधा जी का राजभवन था वहाँ पर जाएंगे उनकी ससुर बाड़ी और वहाँ से फिर आज मथुरा में चले जाएंगे। परसों हम लोग आएंगे तो सीधा एक बार नंद बाबा के ऊपर में जाएंगे, कमलामलापति का फिर दर्शन नहीं होगा और वो लोग चावट और कोकिलबन का दर्शन उन लोगों का नहीं, इसलिए आज हम लोग उसको कर लेंगे और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता होगा, फिर उस दिन नहीं होगा, इसलिए ये सब दर्शन करके और फिर हम लोग मथुरा जाएंगे। बोलो गौर प्रमाण। This Krishna's lotus feet.
His province, Sarovara. अज्ञानतीरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजीवभक्तिरसंप्रयत्नै अपायन्माननुभीष्टमन्दं कृपां बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाया श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सचमुच में ये पावन ही सरोवर है। पावन मैंने पवित्र करने वाला, इटे पावन सरोवर। कृष्ण समय तो पावन सरोवर आज ही वो संबंधी हमें ओखने बोलना। एक हने सनातन गोस्वामी भजन कुटी रूप गोस्वामी टेर कदम्बे ते थाकते हैं और इन्हीं ऐ स्थले ते थाकते हैं। प्रथमे रूप सनातनेर संगे देखा हुई छिलो कनाई नाटशाला ते, तखन हुसैन साहब बाद साहेब एरा प्रधानमंत्री एंड प्राइवेट सेक्रेटरी, रूप गोस्वामी प्राइवेट सेक्रेटरी और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, राजा नाम का राजा किंतु काम करने वाले यही दोनों भाई थे। और तीसरे भाई थे अनुपम जी, वो खजाना इनके हाथ में था। बादशाह चारों तरफ में युद्ध में जय करते इधर उधर घुमा करता था, किंतु जब से चैतन्य महाप्रभु जी के उन पर कृपा हुई, भेंट हुई, राजकाज में अब मन नहीं लगता था। जाते तो थे किंतु मन नहीं लगता था। रूप गोस्वामी का मन एकदम विरक्त हो गया। उन्होंने सारा रुपया वहां का लेकर जो उनको पामना था मालिकी राज्य के, सब रुपये में लेकर के आधा ब्राह्मणों में बांट दिया। आधा का आधा भाग लेकर के परिवारजनों में उनके पालन पोषण करने के लिए दे दिया और चौथाई भाग रख दिया सनातन गोस्वामी को बंदीशाला से छुटाने के लिए। ये लोग सब सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं। सोचा कि इनको जरूरत होगी। वैष्णव लोग भी कभी कभी घूस देते हैं, कोई कोई नीतिवादी लोग घूस नहीं देते, किंतु वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। न धर्मं ना धर्मं सुतगुण निरक्तं कुलकुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रसूर परिचर्या। रूपं तस्या गजगुरिपुरीं माथुरीं गोस्तवाटीं राधाकुण्डं गिरिवमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया सङ्गुरुं ततोऽस्मि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे अन्न माम चरणन्तिके। यत किङ्करेषु वंश खलु काकुबानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्या कदारसनिधे विशुभानुजाय कतके विकुञ्ज भवनं कनमर्जने। हमरा जे स्थाने ते एसेछि
से स्थान अत्यंत गोपनीय। एमन की कृष्णेरो साधना एवं आराधना रीता जाएगा। महाप्रभु एकांत अनुगत छाड़ा এই স্থানের মহিমা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকটে পরিচিত নয়। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, রামানুজ কথাই বাকি অন্য কোন সম্প্রদায়ের এই স্থানের মহিমা বিশেষ নাই, অত্যন্ত দুর্লভ মহিমা। এই স্থানের নাম হচ্ছে যাবট, যাবট, যে বটের নিকটেতে যে বটে সুশীতল ছায়া নিকটে শ্রীমতী রাধিকা রাজভবন ছিল। কি বলছে যাবক মানে যাবক কে যাবক, এইটা শ্রীমতী রাধিকার স্থান, এইটা মোটামুটি যুক্ত। এই জন্য ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরও বলছেন যে বিশ্বভানুপুরেতে আমার কখন জন্ম হবে আর বিবাহ হবে যাবতীতে। আরো আমাদের সব সর্বত্রই এইটি প্রসিদ্ধি, এইখানেতে কৃষ্ণেরই ছায়া অভিমন্যু এখানে থাকে, তারই মায়ের নাম জটিলা আর তারই ভগ্নের নাম কুটিলা। এইখানে শ্রীমতী রাধিকা বিবাহ হয়েছিল, গোপীরাও সব এইখানে থাকতেন, ললিতা বিশাল কাচিত্রা চম্পকলতা ইত্যাদি সব এই ভবনেতে বিভিন্ন প্রকারের শ্রীমতী রাধিকা তারা সবগুলি সেবা করছে। সেদিনে বলেছিলেন যে সে ওই পাশেই সে কপিল বন নিকটে ওইখান থেকে কুহু কুহু শব্দ করত, এমনকি তাহার সমস্ত বিচিত্র লীলা এইখানে হয়েছে। যদি এই যাবত স্থান না থাকতো তাহলে পার্কীয় ভাবটাই থাকতো, পার্কীয় ভাবের এই যাবটাই হচ্ছে স্থান। এইখানেতে থাকাকালে যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করছে, যশোদাজি চিন্তা কর রহি কি আমারা বাচ্চা কানাই দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আমারা বাচ্চা লালা দুবলা পাতলা হো রা, খাতা কুছ নেই হ্যাঁ, যে কুছ উসকে লিয়ে হম বানাতি হ্যাঁ ও কুছ ভি নেই খাতা, না জানি উসকো ক্যা হো গয়া হ্যায়। পূর্ণমাসী জি সে পুছা যে হমকো ক্যা করনা চাহিয়ে, আমারা বাচ্চা দুবলা পাতলা রাতা হ্যায়, খাতা পিতা নেই হ্যায়। উনহোনে কাহা ব্রজ মে রাধা কি নাম কি এক রানী হ্যায়, অভিমন্যু কি পত্নী হ্যায়, বিশ্বভানু মহারাজ কি লাড়লি হ্যায়, বিশ্বভানু মহারাজ সে উনকা অধিক সম্বন্ধ। ও যদি রসোই বানানে কে ইহা আ যায় আর ও রসোই বানায়ে তো কৃষ্ণ কো বহুত কো রুচকর হো জায়েগা আর ও অজরমর বন জায়েগা, কবি উসকো রোগ নেই হোগা আর বড় বড় দৈত্য দানো কো ভি ও মার সকতা হ্যায়, সব প্রকার সে উচিত হয়ে উসকো আপ বুলবা লিজিয়ে। উনহোনে কাহা যে আপকি সহায়তা কে বিনা আমি নেই বুলা সকতি, আপনার সহযোগ ছাড়া আমি তাকে ডাকতে পারি, আমার কথাই শুনবে না। আচ্ছা তো তুমি প্রয়াস করো, আমিও প্রয়াস করো। যশোদা দেবী তার সঙ্গে এই পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন আর তার শাশুড়িকে জটলাকে নিজের সখী পাতলেন, উনকো সখী বানায়া, বহুত লোভ দিয়া প্রস্তাব দিয়া ডরতে ডরতে যে তুম আপনি বহু কো কুছ দিন কে লিয়ে হামারে ঘর মে নন্দগাঁও মে রসোই বানানে কে লিয়ে ভেজ দিয়া, ও তুমারি জ্যাসি বহু হ্যায় ও হামারি ভি বহু হ্যায়, তুমারি জ্যাসি বেটি হ্যায় মেরি ভি বেটি রহেগি, আর আপনি ঘর সে উপহার লেকর কে কপড়ে লত্তে আভূষণ সব লেকর কে উনকে ইহা দে, কিন্তু কাটে হম নেই ভেজেঙ্গে,
तुम यहाँ की रानी हो भले ही, किंतु हम अपने बहू को तुम्हारे घर में किस लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। पौर्णमासी जी आकर के एक दिन बोली, अरे यशोदा जी ने कहा और तुमने उसको मना कर दिया, तुम्हारा लड़का मर जाएगा यदि उसकी बात नहीं मानेगी। हम जानते हैं भविष्य रास्ता है, तुम्हारी गैया सब मर जाएंगी, तुम्हारे गोरु की जो तो बोली मारा जाए, गोधन नष्ट हो जाएगी, इसे जल्दी से उसके कहने से भेज दो, कोई चिंता की बात मत करना, मैं हूँ। फिर राजी कर लिया किसी प्रकार से। तो प्रतिदिन यहाँ से यहीं से जाती थी नंदगांव में और रसोई बनाती थी, प्रतिदिन एकांति के जिए रहना करते। रोहिणी माता खूब रानना से पटु छिलन, बहुत ही चतुर थी रसोई बनाने, किंतु राधा जी के सामने वो भी फीकी पड़ जाती थी, वो केवल सामान एकत्रित करके और राधा जी के हाथ पहुंचा देती और समस्त सखियां सब मिलकर के और एक साथ में 10-20 चूल्हों पर बड़े सुंदर रूप से रसोई बनाती और कृष्ण खाते। बीच में जब यहाँ से चलती थी सखियों के साथ में सुंदरलता उनको बुलाने के लिए आती थी। गोविंद लीला में इत्यादि में इस सबका विशद वर्णन है। जबकि जाती थी तब कदम बटेर बीच में पड़ता है, बीच माच खाने थे कदम बटेर, वो कदम बटेरे थे कृष्ण गोदोहन करवार जन्न, वो खाने थे थाकते पूरा वही रास्ता दिया आज से आ कृष्ण जेने सुने गोरगुली के निया रास्ता ऊपरे थे रेखे दिते आ दो पासे गोरु है ये तो माच खाने रास्ता। श्रीमती बोलते हैं आमी एखाने चलो हमारा खोल दीजिए। ललिता बोलते हैं तुम्हें भयकार करो ना कि एक हंकार दिले कोठाय से चले जाए। तापर तिनी निये आसछेन कृष्ण दुइते दुइते गोरु एमन धार मेरेछे अनेक दूरे जाच्छेन आर तार समस्त मुखमंडल एकबारे दूधे तक जात हो गए, समस्त दूध से एकदम भर गया। ऐसी ऐसी लीलाएं करते राधा जी भी उनका दर्शन करने के लिए कभी उनके गले में माला मणियों की मणि माला हठक कर से सब बुली पड़ जे तो आ सब चारों दिखे छिटे जे तो और ओखने बसे जेने सुने सब बुली पड़े तार दर्शन कर। तापर ओखने जेतें रन्ना इत्यादि करते प्रतिदिन। एक समय कौन कारणवशत श्रीमती राधिका कुछ अप्रसन्न हो गए थे, मान तार हो गए आज जाओ ठीक है उखने जान नहीं जाओ से वो गई नहीं। कृष्ण सोचा कि कैसे मनाया जाए, सुबल से कहा तो धनिष्ठा से कहा ललिता भी काका जी से कहा कुल किसी की बात आज नहीं सुन रही, खाना पीना छोड़ दिया और यहीं पर माननी होकर के बैठ गए। कृष्ण ने सोचा कि दूसरी जगह होता तो मना लेते, उसके घर में वो जटिला जटिला पाक बनाती है और कुटिला कुटिल प्रकार की वो है, वो हवा के गंध से भी जान लेती है कि कृष्ण किधर से आया किसे और सब समय उसको गाली गलौज करती हैं, सब समय बड़ी कड़ी नजर रखती हैं, खूब कठोर नजर रखे एक तो ये दिखे दिखे बोले कत रकम कथा बोलबे सब। कृष्ण ने सोच विचार करके बटुक का वेश बनाया, बटु माने की छेले छात्र ब्राह्मण बालक पढ़ते जाच्छे कोई रोक तीखी बेंदे निये छे गलाते माला खड़ा उपरे निये छे बगले बोई दाबिये निये छे और छत्र ले ली ताल के पत्तों का, एकदम ऐसा वेश बनाया जो कोई ना समझ सके कि कृष्ण नहीं है, एकदम बदल गया एक बार पलटे गलोरू। अरे अभिनय थे हमारा पूछते पारी ना जैसे के व्यक्ति एक नाटक में हम लोग नहीं समझ पाते कि कौन वही व्यक्ति है वो सज गया है आ कृष्ण स्वयं भगवान आ इच्छा कर ले जोगमाया ताकि एमुल साजिए दिए छे सत्ती सत्ती एक छात्र बालक मुचुन होएगा शांति के अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन मैंने क्या है यहाँ के अद्वैतवादी सन्यासी कहेंगे अलख निरंजन अर्थात ब्रह्म निराकार है वही मैं ब्रह्मकार हूँ आनी से ही ब्रह्म
फलक ताकि देखते पड़ा है निरंजन, कोई उपाधि नहीं है, तो वो है तो स्वयं अलख निरंजन, जगत के दृश्य से नहीं दिखे जाते और निरंजन कोई उपाधि नहीं है उनके अंदर में। बात तो ठीक है, निर्गुण है, किंतु अद्वैतवादियों का ये शब्द है। बस ऐसे ही करते करते यहाँ पर पहुंच गए जटला के घर में, अलख निरंजन कह करके भिक्षा मांगने लगे। हम लोग अभी ब्रज में जय राधे श्री राधे श्री राधे करते हैं और लोग भिक्षा देते हैं, ब्रज के सभी लोग भिक्षा दिए दिए। तो ऐसे अलख निरंजन कहने लगे, दौड़ करके जटला जी आई, ओ कोई बालक साधु आया, बालक साधु बालक ब्रह्मचारी बटु आया, कहे बेटा ठहर जाओ ठहर जाओ अभी आती। बस घर में गई, घर ते गए असुंदर सोना थाला ते आका एकाने ओखाने बंगला ते चावल एकाने ते आका दाल घी मैदा या किछु आछे सब दिन नियास में ने बोले बाबा तुम लो। उन्हीं बोलें जैसे हमें तुम्हारे हाथ से चली बोना, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी लूंगा, क्या बाबा तुम्हें ली लेना तो तुम विधवा, तुम विधवा हो तुम्हारे हाथ से, मैं विधवा का लोगों का हाथ का नहीं देता और मैं जा रहा हूँ दूसरे के घर में चला जाऊंगा, वहां से कुछ भिक्षा मिल जाएगी, हम लोग घरे जाओ कुछ भिक्षा पावा जाए। हम एक जगह से शुद्ध गोदोहन का जो तो 5 मिनट में गोल गुहा जाए तो 5 मिनट मात्र साधु और साधु बोने एकटा नियमित छो। बस गाय को धोने में जितना समय लगता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस उतना ही देर तक रहेंगे, इसके बाद हम चले, हमारा वो 5 मिनट होगा आप जा रहे हैं। कहीं नहीं बाबा हमारा सर्वनाश हो जाएगा, सवेरे सवेरे अभी बहनी का समय सवेरे सवेरे, अभी यदि तुम खाली हाथ लौट जाएगा, यदि तुम खाली हाथे यदि चले जाओ तहले तो हमार सर्वनाश हो, हमार गोरुगुलि नष्ट हो जाए, हमार छेलेर असुख विसुख हो जाए, हमार कोनो छेले नाय नाती नाय, एतो नाती हमार बाड़ीते तो होबे, एई सब कतो रकम ताके मनाई चला गया। उनको मनाने लग गए, कहने जल्दी से जल्दी करना है तो तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहू वहू है तो बुलाओ नहीं तो हम चले जाए। अच्छा बाबा तुम 2 मिनट एक तो थाको, तुम्हारा हमें पाए पड़ी के दे जल्दी से। अपनी बहू माँ से बोली, अब तो बहू माँ के बोल रहे माँ चलो तू चले तो साधु ऐसे से बाल तेजस्वी, अभी बाल सन्यासी बाल बटू, अभी आखो विद्वान चलो तुम्हें ना हमी कखन जाबो ना, हमी कोनो पर लोगेर काछे एमन ही तो तुम्हारा दुर्नाम कर, तुम्हें हमार माँ ठाकुरानी और हमारी बदनामी करो, और तुम्हें जदि कुछ चुप था बताए ननद मोसा ग्रामे ते जे ढोल पीटिए दिए हमारे विरुद्ध है बोले दिया, ढोल बजा करके हमको कहेंगे ये हमारी बदनामी करती हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे साधु चले गए हमारे देश सर्वनाश हो गए, तुम्हें शीघ्र चलो कुछ नहीं जाए। तब ललिता विशाखा इत्यादि उनके चरण को पकड़ के बोलिए बेटी तुम लोग इनको तैयार कर दो, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हमारे हाथ से वो लेता नहीं है। और वो सन्यासी बड़ा तेजी है, वो बच्चा जरूर कुछ अभी संपाद दे करके चला जाएगा और वो 1 मिनट से ठहरेगा नहीं, अभी जल्दी से जल्दी इसको दो। तब उन लोगों ने राजा जी से कहा, फिर अंत में अच्छी बात है ठीक है चलती है, बोले सुंदर सोना थाला के सब जिनिस पत्र नहीं दी लेकर के और चली, जा करके गई कृष्ण ने देखा जैसे हम जिसको चाहते थे वही आए, हम जाके क्या खिलाम से ये थे घूमू एकदम यहाँ तक लटका दिया जैसे कि इधर के रीतियाँ हैं, घूमू तो एकदम नीचे तक लगा दिया और थाल में लेकर के जब वहाँ पर पहुँची भिक्षा देने के लिए, जब हम भिक्षा के बाद जब जीते ला गए भिक्षा से मैं नहीं लेता, क्या जिन्हें सतवा है विधवा है नहीं जिन्हें क्या है तुम्हें जिन्हें हमारे तो देखते पुरुष नारी ना की तुम्हें हम ये रकम भी बोला, तुम लड़का है कि स्त्री है कि क्या है हम नहीं लेके आए। ललिता इत्यादि जी ने कहा जय भाई
फिर जब देने लगी कहा जी मैं ये भिक्षा नहीं लेता, मैं तो किसी भिक्षा के लिए आया, विशेष भिक्षा के लिए। आप सारे परमानंद हो गए और आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते, तुम ही हमारे छात्र पर हम ही तुम्हारे संगे छात्र। এখন আমি ভিক্ষাতে এসেছি, এই ঝোলি আমার, তোমার মান রূপী ভিক্ষা আমার ঝোলিতে দিয়ে, তোমার যে মান হ্যাঁ ওই আমার ভিক্ষা মে দে দো, ইয়ে সব হম লেকর কে ক্যা করেন। জব ইস প্রকার সে কহা তো শ্রীমতী রাধিকা জি মুস্কুরা দিয়ে, পরে তো ঘুঙ্গুট উঠা দিয়া আর ফির উসকে বাদ মে মুস্কুরা কর জো কুছ লাই থি উনকে সির কে উপর মে ঢাল দিয়া আর ঢাল করকে বস থাক। कृष्ण जी का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, उनका मन भी भिक्षा के रूप में ले लिया। ऐसी सब लीलाएं हुई। एक समय कृष्णचंद्र जी देखा, दो एक ही बतलाऊंगा, जसोदा मैया अपनी पिटारी में बक्से में निजे पिटारी मैंने बक्सा थे बड़ो लंबा चौड़ा बक्सा और तार मध्य সুন্দর সুন্দর সোনার আভূষণ জহরাত মোতি হীরা আর স্বর্ণ জটিত বস্ত্র ওইসবগুলি সাজাচ্ছেন, ও সাজা রই হ্যাঁ বক্সে কে অন্দর মে সোনা কা কঙ্গন সোনে কা হার ইহাঁপর চূড়া মানি কমর কি করতে বহুত আচ্ছা আচ্ছা অলঙ্কার বেশ কিমতি অলঙ্কার তিনি সাজাচ্ছেন। কৃষ্ণ হঠাৎ করে চলে আসলে, মনে করি কৃষ্ণ যাতে না দেখে, কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ করে কোথা থেকে, মা এগুলি কি করছ, মা তুমি যাও, তুমি চলে যাও, আপনি পিছে আ যান, মা তুমি আমাকে বলে দাও প্যার সে একটু সাথ নেই উনকা ছড়ি পকড় করকে আর প্যারে বন্ধ করকে আনে লগে, মাইয়া তুই বতা দে হমে তুই ইয়ে ক্যা করি, হামারা বর্ষনাথ তো নহীঁ আ রহা হ্যায়, হমে পহনা হ্যায় মানে হমে আমাকে তুমি পড়াবে নাকি, আমার বর্ষগাঁথ বার্ষিক দিন কিছু বলেন, তুমি যা তোমাকে বলছি না যা পরে আসবো আমার এখন ফুরসত নয় বলবার, সমঝ গে যে ইয়ে যা রা হ্যায় যাওট মে ইয়ে যায়গা কিস লিয়ে কি যে জটিলা হ্যায় ও প্রসন্ন রহ করকে রোজ রোজ ভেজা করেন, जब देखेंगे बहुओं के लिए इतना उपहार दे रही हैं, बहु जन तो उपहार भालो भालो दिशे यदि ना पठाई तर तर दिवे ना ये लोग है जन पठा दे रहे तो जो सदा ना बोले छिले ठीक नौटा समय तुम्हार पुत्र भी मन्नी के पाठी दिले हमारे उखाने जटिला के जटिला को कहा जे तुम अपने पुत्र को 9 बजे भेज देना सवेरे, नहीं तो दूसरे को दे देंगे तो ये बेशकीमती चीज कभी कोई लेकर के इधर उधर चला जाए तो तुम्हारी बहू क्या नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने स्वयं लड़के को भेजना। अभिमन्यु खाने उपस्थित है चंदा गाँव में बक्सर साजिए दिया होते बक्सर साजा करके जसोदा माँ किसी काम से गई और उधर फिर तो सुबल सिद्धांत को लेकर के आ गए, सुबल सिद्धांत के लिए ऐसे गए थे जो तो कापड़ चापड़ जाए अलंकार सब पूरी बाहर कर दिए बाहर कर लिलो और सही खाने लीजिए बस दिए सुबल चाबी दी सुबल को बैठा सुबल ने उनको बैठा करके और उसमें ताला और चाबी खूब अच्छी तरह से लगा दी जैसे पहले लगा था, बस वो आया और अभिमन्यु आ करके और अपने सिर पर उसको उठवा दिया और उठवा करके ले करके वो यहाँ आया, आ करके अपनी मैया के पास में रखा। मैया ने कहा जैसे हमको ये सब की क्या जरूरत है, बहू पहनेगी कपड़े लगते ये सब घर में जाकर के रखाओ, घर में अंतर महल में आया और अंतर माले तेनी है ताकि कापुर कापुर बादशाह रखे दिलो, जखन बादशाह रखे दिलो तखन श्रीमती इत्यादि भारी आनंद में देखी ये माँ जसोदा की पाठी छे अमर जन्म उपहार, तखन जटिला कुटिला सब बाहर चले गए थे आर की मध्य सब सखी का निर्माण खाने थे खुला हो खुले देखे श्याम सुंदर खाने बोलते ऐसे ऐसे सब तरह तरह की क्रीड़ाएं यहाँ पर करते हैं, कभी कभी उनके घर में आकर के बैठ गए
और इतने में जटिला और कुटिला को गंध लगे ये जरूर आया है अभी निश्चय एखने ऐसे छे कखन ताके खोज चला ये कोथा छे कृष्ण ने देखा जैसे ये तो खोज करके हमने बाहर कर लिया हमें सब खोज ली दे कखन कृष्ण झट करे कालो धारण करे दिए काली के बोले जे काली हो गई ऐसा गेहूं मट्टी लगा लिया और काली का करिखा लगा करके और साड़ी पहन करके बस वहीं पर खड़े हो गए काली जैसा जी को जी बांध कर दिया ऐसा जैसे कर उन्होंने कहा ये देवी प्रकट हो गई देवी ने कहा यदि वर मांगना है तो मांग लो बस चट वहां से देख करके नमस्कार करके ऐसे ही सब मिला हमें अब अधिक नहीं आप लोगों को भी लोग उत्पन्न हुए इन लीलाओं में भजन कीजिए विधि मार्ग से पहले भजन करते 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 गुरु वैष्णव की सेवा करते करते यदि यहाँ के गुरु कणा भी हो गए तो जीवन सार्थक हो जाए इन लीलाओं में प्रवेश आगे नहीं होता लाखों करोड़ों वर्ष तक लाखों कोटि वर्ष पर्यंत जन्म जन्मांतर धरे एरकम सार्थक यदि केउ करे ताले এরকম হয়েছে ব্রজবাসী গণে রূপ সনাতনের কৃপা হবে আর তারপরে ওই সমস্ত মধ্যে একটু প্রবেশ একটা রোগ উৎপন্ন হবে সহজ ব্যাপার নয় এই জন্য বেশি সব কথা না বলে দিয়ে এইটা বুঝতে হবে শ্রীমতী রাধিকারী তার শ্বশুর বাড়ি কিন্তু রাধিকা রানীর অন্য কোথাও বিবাহ হয়নি কই দূসরি জায়গা বিবাহ নই হুই কৃষ্ণ অভিমন্যু জেসে ছায়া মে আ করকে আর উনকে সাথ মে পানি গ্রহণ কিয়া ইসি তরহ সে बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज में कितने क्या है अभी हम लोग चलेंगे नंदगांव में यहीं से पास ही में एक दो माइल में पड़ेगा वो तेल कदम्ब जहाँ पर कि वो खड़े होकर के रात ऊपर में बैठ जाते वृक्ष के ऊपर में वहीं से बंसी बजाते लाखों कोटि गाय वहां पर चली जाती मणियों से जो माला थी उसी से लाखों कोटि को समझ जाते गाय और पुकारते उसी को बंसी में फिर वही आ जाते इसी प्रकार से ये सब लीलाओं का स्थान है हम लोग ऊपर चलकर नंद बाबा का स्थान और उसके बाद में उद्धव के आयु इत्यादि का दर्शन करके गौ प्रणाम सकले।